आपको काजल राघवानी बुला रही हैं, हाँ आपको फिल्मों में मौका दे रही हैं, तो आप जो है कि ये टैटू अमरपाली जी का टैटू हटवा करके काजल राघवानी जी का लगवा लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये जो फसल मूवी है, इस मूवी में अमरपाली दुबे जी के साथ में हीरो कौन से? दिनेश लाल भैया। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MD मस्ती रिव्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीतू दुबे के पास पहुंच चुके हैं और इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप जो है कि अमरपाली दुबे जी के फैन हैं, तो आप उनकी आने वाली मूवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बताएंगे क्या, देखो अभी तो उनकी दो मूवी बहुत ही जान लीजिए बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जाएगी। एक है फसल और दूसरी है विद्या। अच्छा। अगर जान लीजिए कि फसल 20 है तो विद्या 21 है। वो क्यों? यानी कि बहुत ही पारिवारिक सिनेमा है ये दोनों। अच्छा, ये जो फसल मूवी है, इस मूवी में अमरपाली दुबे जी के साथ में हीरो कौन से? दिनेश लाल भैया। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। और विद्या मूवी में कौन हीरो है? उसमें हीरो नहीं है, वो खुद ही एक लीड रोल की है। अच्छा, लीड रोल अमरपाली दुबे जी का खुद है, जैसा कि मैंने जो है कि कुछ महीने पहले उसमें ट्रेलर देखा था और बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी स्टोरी हमारे समाज, हमारे भोजपुरी समाज के लिए, हमारी अवधी भाषा के लिए, हमारे यूपी बिहार के लिए जान लीजिए कि बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा है। ऐसी कंसेप्ट और ऐसा कंसेप्ट भोजपुरी में हमेशा आना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऐसा आता रहेगा तो भोजपुरी, जो लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी की मूवी ऐसी है वैसी है, गंदगी है, ढोड़ी ढोड़ी में है, होता नहीं है कि ढोड़ी के नीचे ढोड़ी के ऊपर, तो ऐसी सब चीज़ें से लोग दूर हो जाएंगे अगर ऐसी मूवी बनती रही भोजपुरी में तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विद्या मूवी को मैं देखा था, वो मूवी बहुत ही नॉलेजफुल मूवी है और उसमें एक जो है कि बाप रहता है, अपनी बेटी को पढ़ाता है, रिक्शा चलाता है, बेटी को पढ़ा लिखा करके जो है कि IAS अधिकारी बना देता है। मेन चीज़ है बीच में, थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हैं बीच का। हाँ। जो बीच का सीन है ना कि बेटी पढ़ती है तो उसके घर वाले हर इंसान जानता है और हर इंसान चाहता है कि बेटी पराई धन होती है। जी जी जी। तो जब बेटी की शादी करते हैं ना, तो शादी उनका मंडप में टूट जाता है, मंडप में ही टूट जाता है। हाँ। जब मंडप में टूट जाता है तो अपनी वही बेटी जो है कि पिताजी से बोलती है कि, यानी कि अमरपाली जी बोलती है कि पिताजी आप हमको फिर पढ़ाइए, एक बार मौका दीजिए बस। और उसी मौके में जान लीजिए कि वो झंडा गाड़ देती है अपना, जब IAS बन जाती हैं। और सबसे ज़्यादा सीन दहला देने वाली जो दिल की उसमें सीन है, एक सीन है कि जब अमरपाली जी कहती हैं कि बाबूजी रहुआ आज तक हमके खुद रिक्शा में बैठा के घूमे नहीं, लेकिन आज हम बैठा के घुमाई और आज रहुआ घूमब, तो वही सीन जाले पूरा दिल को दहला दिल को दहला गया दिल को दहला बिल्कुल बिल्कुल। और इस फिल्म की कहानी से बहुत ही सीख मिलता है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है कि इस फिल्म को देखे, जरूर देखे, जब ये फिल्म रिलीज होगी जरूर देखे, पूरा परिवार के साथ जाके सिनेमा घर में देखे। और हम लोग तो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे, जो हमारी एक यूनिट। अच्छा, जैसे आपको विद्या फिल्म में जो है कि रोल करने को मिल जाता, जैसे अमरपाली दुबे जी आपका जो है कि ये लुक देख करके, आपका पर्सनालिटी देख करके, जैसे आपको विद्या फिल्म में जो है कि आपको ऑफर मिलता रोल करने का, तो आप क्या करते? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अब ये चीज़ हो चुका है, जो चीज़ हो चुका है तो उसकी कल्पना करना बेकार है, कल्पना करना बेकार। हाँ, लेकिन हम लोग उसके लिए जान लीजिए कि बनारस में हमारी पूरी यूनिट जाएगी, हमारा जो टीम रहता है, हम लोग खुद जानते ही करते हैं, हम लोग काम करते हैं, शूटिंग में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो पूरी हमारी यूनिट जाएगी बनारस मूवी देखने के लिए। अब बाकी जहाँ तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं करेंगे करेंगे। तो आप जो है कि नेक्स्ट मूवी जो है कि फसल, जो उसके साथ में रिलीज होने वाली है, फसल मूवी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों एक साथ रिलीज नहीं होंगी। हाँ, आगे पीछे होंगी, आगे पीछे होंगी, और दोनों के लिए हमारी शुभकामना है और हम दोनों मूवी देखने जाएंगे यूनिट पूरा। दोस्तों, आप लोगों को इंतजार रहेगा जो है कि आप लोग जरूर उस मूवी को देखिए, फसल मूवी और विद्या मूवी। आप एक साथ तो रिलीज नहीं होगी, पहले तो जो है कि विद्या मूवी रिलीज होगी, इसके बाद जो है कि फसल मूवी आएगी। तो आप लोग प्यार सपोर्ट फुल करिए, क्योंकि जीतू भाई जो जीतू दुबे जी हैं, अमरपाली दुबे जी के फैन फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो जैसा कि जीतू भाई, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसे आपने जो है कि अपने हाथ में ये टैटू बनवाए हैं अमरपाली दुबे जी का, हाँ, आप बदल तो नहीं जाएंगे? काहे लिए बदल जाएंगे, जो चीज़ें हो गया वो हो गया, जीवन भर के लिए हो गया, आजीवन के लिए। नहीं नहीं, मैं भोजपुरी फिल्मों में देखा हूँ, भोजपुरी के लवर बहुत हैं। सौम्या पोखरेल हुई, वो तो खेसारी लाल का टैटू गोदवा के टहलती थी, चारों तरफ खेसारी के गुण गाती थी और बोलती थी पवन सिंह कौन है, कौन है पवन सिंह। और बाद में जो है कि पवन सिंह का गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो बदल गई थी।
तो आप भी बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बदलना मेरे खून में नहीं है। जो चीज़ें हो गया जीवन में वो हो गया, वो आजीवन रहेगा। कहावत नहीं कि गुरु और माता पिता एक ही ना होते हैं? तो मतलब हाँ, जीतू दुबे जी कह रहे हैं कि गुरु और माता पिता एक ही हैं, और देखना है कि जीतू दुबे जी अमरपाली फैन जीतू दुबे जी कितने दिन तक अपना फैन फाइंडिंग जो है कि बरकरार रखेंगे। आजीवन 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 रहेगा जी, आजीवन रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए आपको ऑफर मिल गया, ठीक है, एक बात मोटी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको ऑफर मिल गया, आपको काजल राघवानी बुला रही हैं, हाँ, आपको फिल्मों में मौका दे रही हैं, तो आप जो है कि ये टैटू अमरपाली जी का टैटू हटवा करके काजल राघवानी जी का लगवा लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसी बातें रहेगी तो हम उस फिल्म को जान लीजिए ठोकर मारते हैं। मतलब अमरपाली दुबे के लिए छोटी सी दुनिया में अगर ऐसी कोई बातें हैं तो अपनी हम एक छोटी सी दुनिया में खुश हैं। हमको नहीं करना है ऐसी चीजें जिससे हमारे स्वाभिमान के और हमारे गुरुजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। जी 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 बिल्कुल। जैसे जीतू दुबे जी, जैसे कि आपको काजल राघवानी की तरफ से आपको अगर ऑफर मिलता है, और जो है कि अक्षरा सिंह जी की तरफ से जो है कि आपको ऑफर मिलता है फिल्मों में काम करने का मौका दे दिए, अमरपाली दुबे जी की जगह मतलब जैसे काजल राघवानी जी दे दिए मौका आपको फिल्मों में काम करने का, और अक्षरा सिंह जी और आपको फिल्मों में काम करने के बदले आपके बीच एक शर्त रख दें, और उस शर्त में आपसे ये कहें कि जो है कि आप ये टैटू हटवा दीजिए अमरपाली जी का और आपको तभी फिल्मों में काम मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम नहीं करेंगे, ठोकर मार देंगे ऐसे काम को। आप ठोकर मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि हम हाँ कहावत नहीं, हमको बड़ा एक्टर नहीं बनना है। अगर ऐसी कोई बातें आती है मेरे जीवन में तो हम एक छोटी सी दुनिया में खुश हैं और उसी में खुश रहना पसंद करेंगे, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, हम वही काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। ऐसा फैन मैं पहली बार देखा हूँ अमरपाली जी का, बहुत ही बड़ा फैन, सच्चे दिल से मानने वाला फैन, बहुत ही निजी रूप से मानने वाला फैन पहली बार देखा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे फैन आए सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए, जैसे सौम्या पोखरेल हुई, और कई सारे ऐसे फैन आए वो बदल गए, बोल कुछ और रहे थे लेकिन कर कुछ और रहे थे, लेकिन आज ऐसे फैन को मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ऐसे फैन को मुझे दिल से सैल्यूट है और हाथ आपसे हम मिलाना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसे फैन से मिला जो कि अपने जो अमरपाली जी को जो गुरु मानता है उसको जो है कि कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे आप जितना पैसा लुटा दो इसके पीछे। पैसा मतलब क्या है जिंदगी में? पैसा कमाते हैं हम, इतना पैसा कमाते हैं कि इतने हमारा परिवार, हम खुश हैं, बस हमारी टीम खुश है हमसे, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है, बस बाकी दर्शक का प्यार हमको आगे ले जा रहा है। जी जी। हाँ बस इतना है कि अगर एक बार हम मिल लेते हैं उनसे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, दिल में आपको तसल्ली मिल जाएगी। दिल में तसल्ली मिल जाएगी, इसके बाद आगे जो है कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, जो चीज़ हम करते आए हैं और आजीवन करते रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। जी जी। आप देखे होंगे मेरा इंटरव्यू, कई इंटरव्यू में मैंने बोला कि मैंने 16 सोमवार का 2 बार व्रत किया है उनकी तरक्की के लिए। हाँ। मेरी माता रानी है जहाँ मैं सेवा करता हूँ, आप खुद देखे हैं? हाँ, देखे हैं। हाँ देखे हैं, किसी वीडियो में आप बना के दिखा देना कि यही स्थान है कि हाँ। हम जहाँ सेवा करते हैं रोज सुबह जाके आज शाम को दीपक लेते हैं, तो ढेर। इसके बाद मैं निर्जला व्रत उठाने वाला हूँ। किसको किसका पूजा करते हैं आप? माता रानी की पूजा करता हूँ। हाँ। उनकी तरक्की के लिए कि ताकि वो अगर चप्पल पहनती हैं तो जूता पहने, अगर फॉर्चुनर चलती हैं तो रेंज रोवर तक ले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपकी सोच बहुत ही लंबी है और आपकी यही सोच आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। बिल्कुल, अब देखो दर्शक का प्यार, बाकी ऊपर वाला और हमारे गुरु जी का। आप हमारे चैनल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे भैया चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर जा, खूब ढेर सारा प्यार दें, बस इतना ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।